Hello guys and welcome back to the Sagar Network and begin with a new video. So hello friends, मैं हूँ सागर और आज लेकर आया हूँ एक 25 वाट के सोल्डर पर वीडियो कि आप इसे कैसे बना सकते हैं और वो भी एक एयर मतलब हवा फेंकने वाला सोल्डर बनाएंगे इससे। तो हमारा जो पुराना सोल्डर पड़ा था उससे हमने ये एलिमेंट लिया है, आप बाज़ार से खरीद सकते हो, 50 रुपये में मिल जाएगा। ये आरी भी और ये भी 20 रुपये का एलिमेंट और 30 रुपये की आरी दोनों से, और आरी का ब्लेड आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको ये नहीं लेना। तो फ्रेंड्स इसको हमने ऐसे काट लिया है और इसके अंदर का जो पार्ट है उसको बाहर निकाल लेना है सारे को, उसका हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। मेंट जो है बिल्कुल अच्छा है, इस्तेमाल करने के काबिल है। तो दोस्तों इसको बाहर निकाल लेना है। जो ये है हमारे पास, ये है नाइक्रोम वायर एंड ये मिलेगी फोम कटर, को इस्तेमाल करने में यूज़ हो सकती है और इसमें से ये मिल जाती है आसानी से। लेकिन दोस्तों हम इसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारे पास पड़ा है इससे भी बड़ा एलिमेंट जो हमने निकाला था प्रेस से, या आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कुछ ऐसा एलिमेंट है। और इसकी जो वायर है काफ़ी ज़्यादा मोटी है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो हम बात कर सकते हैं नाइक्रोम वायर, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और एक फ्लैट सी वायर है जो ग्रिप भी अच्छी देती है। तो दोस्तों अगर आपको पूरे यूट्यूब पर 25 वाट के सोल्डर से जो एयर गन है वो बनानी मिल जाए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर देना, चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। आज तक ये किसी ने नहीं बनाई। ये हमने स्लीव ली है, छोटी सी पतली स्लीव है और इसके अंदर ये वन स्ट्रैंड एक ही तार होती है जिसमें, उसे वन स्ट्रैंड वायर कहते हैं। ये उसमें हमने डाल दी और जो ये नाइक्रोम वायर है ये इस पर लपेट लेनी है। और हाँ, अगर एक बात और है, अगर आपको पूरे यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं मिली तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना यहाँ से नहीं जाना। तो फ्रेंड्स इसको हमने ऐसे बना लिया है, ये 25 वाट के सोल्डर से बनाया है। ये आपको कहीं भी मिल जाता है, 25 वाट का सोल्डर 60 रुपये में, 50 रुपये में, 40 रुपये में भी मिल जाता है। वहाँ से हमने उसका एलिमेंट निकालना है और एलिमेंट की बात करें तो 20 रुपये का एलिमेंट भी मिल जाता है। तो इसको, ये जो वायर है हमारे पास, ये जो आयरन से मतलब प्रेस से निकाली हुई वायर है, इसकी हमने 12 टर्न्स इसके ऊपर लेनी है और दोनों सिंगल स्ट्रैंड वायर से ऐसे इसको बांध देना है। एक तो वायर तो अंदर को जा रही है और एक बाहर से। तो दोस्तों ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद हमने थोड़ी सी मोटी जो स्लीव है वो ले लेनी है। स्लीव आपको कहाँ से मिलेगी, यही आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये आपको मिलेगी किसी भी इलेक्ट्रिकल शॉप पर, जो जहाँ पर रिपेयरिंग या फिर वायर्स का काम होता है वहाँ पर पक्का मिलेगी। तो इसमें इसको ऐसे डाल लेना है और जो ये सारा जो हमने सेटलमेंट है इसको हमने इस जो सोल्डर का एलिमेंट है जो हमने अंदर से खाली किया था उसके अंदर डाल लेना है। और दोस्तों मैं बता रहा हूँ अब भी कि ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे YouTube पर। प्लीज़ लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और इसको हम यहाँ पर हमने होल कर लिया था और इसमें से दोनों वायर्स को बाहर निकाल लें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका बात का एक ध्यान रखने की बात है कि दोनों वायर्स आपस में कभी टच नहीं हो, इसलिए आप स्लीव का इस्तेमाल और भी कर सकते हैं दोनों वायर्स को अलग अलग रखने में। तो यहाँ पर मैंने जो मोटर है ये ली है, ये मुझे पड़ी है लगभग 100 रुपये में। आप इसको अमेज़ोन से ख़रीद सकते हैं, ऑफलाइन मार्केट से सस्ती में मिल जाती है। अभी देख लेते हैं कि हमारा जो एलिमेंट है वो वर्क कर रहा है नहीं। तो पहली बार इसमें धुआं निकलता है थोड़ा सा, अगर आप इसको 5 मिनट चला के रखोगे तो ये सारा मतलब धुआं एक ही बार में निकल जाएगा और दोबारा कभी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों इसको घर से बाहर ले जाइए और ट्रांसफार्मर से, 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर से किसी भी घर के बाहर जो सॉकेट होता है वहाँ पर लगाकर, या आपकी छत पर ले जाइए वहाँ पर लगाकर इसको कर लीजिए और पहली बार इसमें से धुआँ निकलेगा, उसके बाद कभी भी नहीं निकलेगा, ये गारंटी के साथ मैं कह देता हूँ। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो ये जो एयर पंप है ये बहुत ही अच्छा एयर पंप है, मैंने इसका लिंक, अगर आप जुगाड़ की बात करें तो ये बना सकते हैं, ये मैं आपको बता दूंगा कि कैसे बनता है, जल्द ही इस पर भी वीडियो ला दूंगा। तो फ्रेंड्स ये आप मतलब जुगाड़ कर सकते हैं इसको अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे नहीं हैं, और अगर आप मतलब होममेड बनाना चाहते हैं, पूरा ही सोल्डर को होममेड बनाना चाहते हैं, अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी आ जाते हैं अपने सोल्डर पर और इसको ग्लूगन की हेल्प से लगा देंगे अभी। तो ये मैंने 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर यूज़ किया है, 100 रुपये में मिल जाएगा आपको। उसके आगे मैंने रेक्टिफायर लगाया है और एक कैपेसिटर लगाया है जो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा इस नाइक्रोम वायर और इस मोटर पर। अभी हमने इसको ग्लूगन की मदद से जोड़ लेंगे और इस होल को भी हम कवर कर देंगे ग्लूगन की हेल्प से, ताकि जो हवा है, जो पंप के मतलब पंप में से हवा आ रही है वो यहाँ से ना निकले
और वो सीधे आगे से ही निकले। तो अब यहाँ पर एक ग्लूगन लगाकर पंप को फिट कर देंगे। तो दोस्तों ये पूरा ही मतलब एयर टाइट बन जाएगा और हवा यहाँ से बिल्कुल भी लीक नहीं करेगी, जिससे हमारा शोल्डर है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने बना लिया है अपना शोल्डर को। अब हमने क्या करना है, इस पर ये लगाकर इसको पूरा अच्छी तरह से मतलब रख देना है कुछ 5-10 मिनट के लिए, ताकि आराम से सूख जाए। और सूखने के बाद जो मजबूती होगी वो आप खुद दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। तो ये मतलब बनकर बिल्कुल तैयार हो गया। अब यहाँ से जो हमने दो वायर्स निकाल ली थी, वहाँ पर हम दो वायर्स फिट करेंगे शोल्डर की मदद से, और इन अलग अलग कनेक्शन करेंगे दोनों वायर्स का कुछ ऐसे। और ये दोनों वायर्स हम एक ही ट्रांसफार्मर से चलाने वाले हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि 12 वोल्ट 2 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे आपके, दैट आपने बोला था कि फ्लक्स बनाना है, फ्लक्स क्यों नहीं बनाया। तो दोस्तों फ्लक्स की वीडियो तैयार हो चुकी है, उसकी थोड़ी सी एडिटिंग रह रही है, इसके बाद वो वीडियो मैं डाल दूंगा, और बहुत ही अच्छा बना है वो। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगा है वीडियो बनाने में, और आप एक बार ये ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगा, लेकिन अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर करके जाइए और लाइक ज़रूर कर दीजिए इस वीडियो को। और मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए दोस्तों, अगर आप यूट्यूब पर हैं और ऐसे आप देखते हैं जैसे मेरी वीडियो आपने देखी, तो एक काम कर दीजिए मेरा छोटा सा, जहाँ भी आप जाते हैं, जिसके भी चैनल पर विजिट करते हैं, वहाँ पर कमेंट में सिर्फ #सागर नेटवर्क लिख दीजिए, सिर्फ #सागर नेटवर्क। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ लाइक और #सागर नेटवर्क बस। तो फ्रेंड्स अब आ जाते हैं इसकी टेस्टिंग पर, सारी बातें भुलाकर। तो अब हम देखेंगे कि ये सोल्डरिंग वायर को कुछ नहीं अच्छी तरह से मेल्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये है नंबर ऑफ टर्न्स का फ़ायदा, कि हमने 12 टर्न्स दी थी इस पे, अगर आप 12 से ज़्यादा देते हो तो और भी थोड़ा अच्छा वर्क करेगा, लेकिन उसके लिए आपको ट्रांसफार्मर भी थोड़ा सा ज़्यादा पावर वाला ट्रांसफार्मर चाहिएगा, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा है, वर्क कर रहा है। और इसने सोल्डरिंग वायर को भी बहुत ही अच्छा ट्रीट किया है, इसको मतलब पिघला दिया है, और ये SMD कंपोनेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, ये मतलब एक सोल्डरिंग गन के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों इसके हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि हम ग्लू गन को भी इससे चला सकते हैं क्या। तो फ्रेंड्स अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दें अभी। और अभी थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस वीडियो।